हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग प्लांट्स। आज मैं आपको एक्जोरा प्लांट के केयर के बारे में कुछ टिप्स दूंगी और एक्जोरा के कटिंग से हम कैसे एक्जोरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा ये रेड कलर का एक्जोरा प्लांट है। एक्जोरा प्लांट के कई वेराइटीज़ हैं, रेड, पिंक, वाइट, येलो और भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं इसकी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरे एक्जोरा प्लांट में कितने सारे फूल हैं। आप भी अपने एक्जोरा प्लांट में बहुत सारे फूल ला सकते हैं बिना कुछ मेहनत किए हुए। मेरी कुछ टिप्स अपना कर अपने एक्जोरा प्लांट में बहुत सारे फूल लाएंगे। तो मेरे फास्ट टिप्स यही रहेगा कि एक्जोरा प्लांट को 6 से 7 घंटे तक धूप की ज़रूरत होती है, इसीलिए तो अपनी एक्जोरा प्लांट को ऐसी जगह पर लगाएँ जिससे उस प्लांट को 6 से 7 घंटे तक धूप मिल सकती है। और एक्जोरा प्लांट को अगर धूप नहीं मिलेगा तो ये ऐसे येलोइश ग्रीन कलर के हो जाते हैं जिससे फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। सो फ्रेंड्स, मेरी सेकेंड टिप्स ये रहेगा कि अपने एक्जोरा प्लांट को सॉफ्ट वार्मिंग करना चाहिए महीने में एक बार। सॉफ्ट वार्मिंग का मतलब होता है कि अपने प्लांट के टहनियों को 2 से 3 पत्तों के साथ कट करना चाहिए। मेरी थर्ड टिप्स यही है कि अपने प्लांट में ड्रेनेज की सिस्टम होनी चाहिए। फोर्थ टिप्स इज़ वाटरिंग करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में वाटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम वाटरिंग नहीं करेंगे तो प्लांट सूख भी सकता है। और महीने में एक बार हमें वेजिटेबल गार्बेज देना चाहिए जिससे फ्लावरिंग अच्छे से होगा। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि एक्जोरा प्लांट को कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने एक्जोरा प्लांट के कुछ कटिंग लिया है। इन सारे कटिंग्स को हमें नीचे से अच्छे से कट करना है, बिल्कुल टेढ़ा कट करना है जिससे रूट अच्छे से निकलेगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने एक्जोरा प्लांट के कटिंग को कैसे अच्छे से कट कर लिया है, बिल्कुल टेढ़ा कट कर लिया है। और नीचे से 2-3 पत्तों को हमें हटा देना है। अभी हम इन सारे कटिंग्स को पॉट में लगाएंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।